और बात क्या कर रहा है, ये बढ़त सुनो जरा स्वामी की, चेक करना। सुनो जरा, क्या उसके साथ कोई मैं मेरी मूंछों से बहुत सारे पाकिस्तानी बहुत सारे जिहादी चिढ़ते हैं। हाँ, तेरी मूंछों से चिढ़ता हूं मैं, हाँ चिढ़ता हूं, क्योंकि बिल्कुल मेरी झांट के बाल की तरह की है, तो मैं जेलस होता हूं कि इतनी सिमिलैरिटी क्यों है। यानी मैं इस चीज से भी जेलस होता हूं कि मेरे झांट के बाल तेरी मूंछों से क्यों मिलते जुलते हैं, इतनी जेलसी है मुझे। ठीक है, हाँ ये है मेरी जेलसी। अब समझ आई, इसलिए हम जेलस होते हैं कि हम अपनी झाट के बाल को भी तुम जैसी किसी चीज से अगर सामान्य पाएंगे हम साइड पर कर देंगे। और भाई मैंने तो खतना भी इसलिए करवाया था स्वामी कि मेरे लिंग की शक्ल तेरे मुंह से मिल रही थी, मैंने तो खतना भी इसलिए करवाया है। क्या समझा, क्या समझा, मैंने तो हथियार भी इसलिए तरछुआ दिया था कि उसकी शक्ल थोड़ी सी तेरे से मिल रही थी, तो मैंने कहा हटाओ, जब भी मूतने के लिए नीचे देखूंगा स्वामी की याद आएगी। मैंने कटवा दिया, अब नोकीला है शिव जी की तरह। अब पूज, अब इसकी शक्ल शिव जी के लिंग की तरह है, अब पूज, अब तू जलस नहीं हो सकता, अब तू पूजेगा। हैं जी मूछो से, जाने दे जाने दे, ठंडी हवा आन दे, झोपड़ी के खोती के बच्चे, स्वामी तेरी क्या हैसियत और क्या औकात है, तू मेरे घुटने के साथ चिमट कर बैठने के लायक नहीं है। मुझे याद है जब तूने मुझे स्टेज पर देखा था, तुझे तेरे पिछले कर्म के सारे कांड कर्मा की सूरत में नजर आना शुरू हो गए थे। बात करता है, आगे सुने जरा। उसके साथ कोई मैं मेरी मूंछों से बहुत सारे पाकिस्तानी बहुत सारे जिहादी चिढ़ते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि एक कोई वो नाम का लड़का है, कोई आवाज हक चैनल है उस। लड़का, आए थोड़ी जवान वाली फीलिंग आ रही है, तुम्हारी दीदियां तो मुझे बुड्ढा कहती हैं। पूजा अजी सुनती हो, ओ पूजा ई तो जवान बोलत रहे हैं, तुम काहे हमको बुड्ढा बोलती रही, ई बोलते हैं लड़का है, तुम बोलती थी बुड्ढा खूसड़ है। हाँ लगता है स्वामी जी हमारा गुप्त गुण देख चुके हैं, जो हमको कड़ियल सख्त लौंडा कह रहे हैं। हाँ इसीलिए भागा था स्वामी, तू इसलिए भागा था। समझ आ गई मुझे। मैं उसको यहां से कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता नहीं आवाज हक करके कोई चैनल है। हाँ पता नहीं, ये गवर्नमेंट से पूछ, अपने बापों से पूछ, कहता है जी कुछ आवाजें हक करके चैनल है। हो जा कुछ करके है, कुछ करके नहीं सब कुछ करके है आवाज़े हक। हमारा मूंछ वगैरह के बारे में बोल रहा था, वो मूंछे तो मैं उनको कहता है कि तुम अपना चेहरा दिखाओ, मैं किसी के साथ डिबेट नहीं करता, लेकिन तुम अगर चेहरा दिखाओगे तो तुम्हारे साथ हमारे चैनल पे हम चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे, स्वामी जितेंद्रनंद सरस्वती तुम्हारे साथ चर्चा करेगा, तुम आ जाओ, बस अपना चेहरा दिखाओ और हमारे चैनल पे आ जाओ, तुम्हारे अंदर है दम, वो आवाज हक तेरे अंदर दम है, वो ईमान यूनियन तुम्हारे पास दम है, आ जाओ हम तुमको बुलाते हैं, लाओ आओ जरा तुम, हम तुमसे बात करें, हमारे आचार्य नहीं बात करेंगे, हम ही बात करेंगे, चेहरा लेकर आओ, जैसे हमारा चेहरा दिख रहा है ऐसे तुम्हारा चेहरा दिखना चाहिए, तो यहाँ पर लोग लिख रहे हैं उसका नाम, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये असली नाम, तो मुझे नहीं लगता क्योंकि इस पर तो करता हूं चर्चा, बात असली नाम नहीं लग रहा है, ये क्यों इसने बोला है, बताता हूं बताता हूं, अभी टिक करके देता हूं मैं, ये जरा सुने, दोबारा सुन ले, जरा चैलेंज दोबारा सुन ले।
जी जी नहीं, पता नहीं आवाजें हक करके कोई चैनल है, वो हमारा मूंछ वगैरह के बारे में बोल रहा था, वो मूंछे वो मूंछे। तो मैं उनको कहता है कि तुम अपना चेहरा दिखाओ, मैं किसी के साथ डिबेट नहीं करता, लेकिन तुम अगर चेहरा दिखाओगे तो तुम्हारे साथ हमारे चैनल पे हम चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे, स्वामी जितेंद्रनंद सरस्वती तुम्हारे साथ चर्चा करेगा, तुम आ जाओ, बस अपना चेहरा दिखाओ और हमारे चैनल पे आ जाओ। तुम्हारे अंदर है दम, वो आवाज हक तेरे अंदर दम है, वो ईमान यूनियन तुम्हारे पास दम है, आ जाओ, हम तुमको बुलाते हैं, लाओ आओ जरा तुम, हम तुमसे बात करें, हमारे आचार्य नहीं बात करेंगे, हम ही बात करेंगे, चेहरा लेकर आओ, जैसे हमारा चेहरा दिख रहा है ऐसे तुम्हारा चेहरा दिखना चाहिए। ठीक है जी, सुन लिया, अब हमारा जवाब सुन ले। उसूली तौर पर मैं मुर्दा नहीं खाता, इस्लाम में मुर्दा हराम है, शेर भी शिकार करके खाता है, नंबर वन। तो मेरी नजर के अंदर एक पब्लिसिटी करने के लिए, ऑडियंस को अपनी तरफ लाने के लिए और शोर शराबा करने के लिए इसने इस्लामिक अवेकनिंग के साथ भी बात शुरू की थी, क्योंकि जो किया इसने बाद में साफ पता चलता है कि ये बात तो करना नहीं चाहता था, ठीक है, डिबेट भी करना नहीं चाहता था। तो हकीकत ये है, हाँ भाई ने लिख दिया सुअर भी, तो मुच्छड़ मुच्छड़ सुंदरा, इस्लाम में सुअर भी हराम है और मुर्दार भी, और तू दोनों एक साथ है, तो मेरे लिए तो तू है हराम, तेरा गोश्त खाना, ठीक है ना, हाँ बात में, ऑब्वियसली बात में। अब तू कह रहा है कि है दम, ये तो पब्लिक ने देख लिया था कि किसमें दम है, कि आके मैं माइक म्यूट करके खामोशी के साथ बैठा हूं, तो तू अपने राम जी को यहां छोड़ के भाग गया था, राम जी की उतरी हुई लुंगी छोड़कर भाग गया था, लाइव देखा था। अब कहता क्या है, कहता है हम किसी से डिबेट नहीं करते मगर उससे तुमसे कर लेंगे। अच्छा ले, तू क्या है, तेरी हैसियत क्या है, तेरी औकात क्या है, ये हमें बता रहा है। कहता जी हम किसी से नहीं करते, तुमसे कर लेंगे, बाड़ में जा, मैं तेरे बगैर सनातन धर्म की पुंगी बजा रहा हूं इस्लामोफोब्स को लेकर। ऑब्वियसली नॉर्मल सनातनी के साथ तो हमारा कोई भड़ा नहीं है भाई, सीधी बात है, बात ही शुरू वहीं से होती है, ये तो अंडरस्टूड बात है, सनातनी को भी पता है कि हम क्यों काम कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, वरना तो जरूरत ही कोई नहीं थी। अच्छा अब हुआ क्या, कहता है एक शर्त पर डिबेट होगी, फेस रिवील करे की माँ का, 1.5 साल से कुत्ते की तरह ढूंढ रहे हैं, कुत्ते की तरह, फेस रिवील करे और मेरे चैनल पे आ जाए, जा जा स्वामी, चैलेंज दे रहा हूं, फेस रिवील करके डिबेट होगी नेशनल टीवी के ऊपर, बस इससे पीछे अब मैंने नहीं आना, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो ना, पब्लिक ऑर्डर का मसला है ना, गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था ना चैनल बैन का, नेशनल टीवी, फेस रिवील करूंगा, डिबेट होगी लाइव चैनल नेशनल न्यूज, नेशन, इंडिया टुडे या नेशनल टीवी जो भी है, नेशनल टीवी के ऊपर, मिनिमम मिनिमम न्यूज नेशन, जिस जिन चैनल्स के ऊपर एक्स मुस्लिम्स को बुलाया है उन चैनल पर, और होगी लाइव, एडिट नहीं। दो शर्तें रखी है मैंने, गौर से सुन, नंबर वन नेशनल टीवी, नंबर दो डिबेट होगी लाइव, एडिट नहीं होगी, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, लाइव चलेगी जनता के सामने, लाइव समाचार चलते हैं ना, डिबेट लाइव चलेगी, तू आ जा, तेरा आचार्य आ जाए, तेरे एक्स मुस्लिम्स आ जाए, गिनती के जो कुरा डाल लो, कुरा डाल लो, जिसको चैंपियन समझते हो ना सबसे टॉप का, उसको लेकर नेशनल टीवी पर आ जाओ, अगर जीजा जी का दीदार करना है तो नेशनल टीवी के ऊपर होगा स्वामी, चैलेंज एक्सेप्ट है, चल, तेरे चैनल की क्या औकात है, वहां मैं टट्टी नहीं करता, मैं अपने मूत्र का एक छींटा भी तेरे चैनल पर फेंकना अपने मूत्र का अपमान समझता हूं, समझता क्या है तू, ओए
तू कौन है? तू किस खेत की मूली है? तू कहां से आया है? तेरी औकात क्या है? हैं? मैं मूतर के एक छींटे का अपमान समझता हूं तेरे चैनल पर फेंकना। कहता है मेरे चैनल ना 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 ना, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, पूरे देश को पता चले, और फिर अगले इलेक्शन में 33 भी जाएं, 33 कोटी तो गिरा ही जाएं, 33 सीटें भी जाएं, आए यूपी, तो अगली बार 33 कोटि और यूपी की 33 सीटों पे वार। अगली बार डिबेट होगी लाइव काका नेशनल टीवी के ऊपर। बस इससे पीछे अब मैं नहीं आने वाला, ये याद रखो। तुम लोगों ने मेरा स्टैंडर्ड हाई कर दिया है इस्लामोफोब्स ने। मैं तो पहले चाहता था भाई कोई भी न्यूट्रल चैनल के ऊपर आ जाए डिबेट करे, मैं तो पहले कर रहा था ना, अब नहीं। तुमने खुद मुझे पकड़कर नेशनल इशू बनाया, तुमने खुद मुझे पकड़कर गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किया, तुमने खुद मेरे चैनल को बैन करके मुझे जनाब नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू बनाया। तुमने बनाया, इस्लामोफोब्स ने बनाया, तुम्हारे हिंदुत्व के लोगों ने बनाया है? तो बस अब बात होगी नेशनल लेवल पर, ताकि दुनिया देखे कि तुम्हारी गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया था मुझ पर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट का आरोप लगाकर और पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने का आरोप लगाकर, जनता को पता चल जाए मैं बात क्या करता हूं, मेरा नैरेटिव आ जाएगा, ईमान यूनियन का नैरेटिव आ जाएगा सामने, हम क्या कहना चाहते हैं, हम क्यों कहना चाहते हैं, हम क्या नहीं कहना चाहते हैं, और क्यों जो कहते हैं क्यों कहते हैं, हमारा सारा मुकदमा आएगा नेशनल टीवी पर। क्या दिक्कत है? ईमान यूनियन हाजिर है, मैं हाजिर हूं, एक उनके अदना से मेंबर के तौर पर मैं हाजिर हूं, एक टूटा फूटा सा स्टूडेंट हूं मैं हाजिर हूं, मगर बात होगी नेशनल लेवल पर। ठीक है बेटा, भूल जा, तुझे पता ही नहीं है मैं जहां इल्मी तौर पर तेरे कड़ाके निकालूंगा तेरे समाज के, वहीं मानसिक रूप से भी तुम्हें धचका लगाने का जानकार हूं अल्हम्दुलिल्लाह। ये याद रखना, मेरे साथ टीटो पार्टी नहीं चलेगी। और पता तो चले कि वो मम्मी का जना है जो इतना उसका मुंह पीके यहां पर बैठा है पता चलेगा ना पूरे देश को। अच्छा किसी ने पूछा ये क्यों कहा, ये जरा सुनना, ये जुमले पर गौर करना। तो यहाँ पर लोग लिख रहे हैं उसका नाम, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये असली नाम, तो मुझे नहीं लगता क्योंकि मैं मानता नहीं, असली नाम लाओ, अपना पासपोर्ट दिखाओ, अपना आईडी कार्ड दिखाओ, इधर आ जाओ। लोग नीचे लिख रहे थे आमिर हक कहता है कि ये मुझे इसका असली नाम नहीं लग रहा। क्यों क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि आए चेक करवा लिए हैं, हैं? डेटाबेस में नाम डलवाकर चेक करवा लिए हैं। ई नाम का बंदा तो कोई गोस्ट है, ये तो गोस्ट है, लिविंग लाइक अ गोस्ट। मैंने इनको पहले कहा था, I am Mr. Nobody भाई, मैं तुम्हारे कर्मों का कारमा हूं, मैं तुम्हारे दुष्ट कर्मों का दंड हूं, मैं तुम्हारे अत्याचार का परिणाम हूं, मैं तुम्हारी खेतियों और डाले हुए बीजों का फल हूं, मैं वही हूं। बताया भी था कलयुग है, उसकी तैयारी पकड़ो। अच्छा कहता है ओरिजिनल नाम नहीं है तो पासपोर्ट और आईडी आधार कार्ड लेकर आ जाए तब करूंगा। डिबेट कर रहा है या दीदी का रिश्ता दे रहा है स्वामी? पासपोर्ट मेरा क्या वीजा लगवाएगा क्या राम राज्य का? पासपोर्ट ले गया, आधार कार्ड ले गया,
लिंग का साइज ना लेके आऊं ताकि तेरा टेस्ट भी मुझे पता चल जाए और तेरे परिवार का भी है? लिंग का साइज भी दे दूं पता ना बता भाई 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 बता डिटेल पूरी बताना फिर चाहिए तुझे चाहिए क्या मुझे वो बता कितने घंटा फ्री पति किलोमीटर कितने घंटा रफ्तार में दौड़ता हूं वो भी उसका भी सर्टिफिकेट ले आऊं भाई भाई बता ना स्वामी आगे सर हमें पता तो चले कि कौन अम्मी का जना है जो इतना कम उठ पी के यहाँ पर बैठा है राम जी के बारे में चर्चा संवाद करेगा तो तुम्हारी अम्मी ने तुमको अरब के ऊंट का या हमारा रेगिस्तान के किसी देश के ऊंट का मुंह पिलाया है और इतना ताकत है तुम्हें कुब्बत है कुब्बत कुब्बत है कुब्बत ही बोलते ना कुब्बत वर्ड अच्छा जी कह रहा है तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें रेगिस्तान का कोई ऊंट का ना 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 सर क्या हो गया यार मेरा टेस्ट करवा ले मेरा बीफ ही बीफ मिलेगा मैं तो बीफ खाया हूं इसलिए जना हूं इसलिए बलवान हूं इसीलिए बाहुबली हूं अल्हम्दुलिल्लाह किंग कॉन्ग और तुम्हारी पूरी की पूरी समाज की विचारधारा के साथ करता हूं मैं डिंग डोंग दैट्स व्हाई आई एम किंग कॉन्ग कहता है जी क्या ओ भाई बीफ खाया है तुम लोगों ने तो लिखा बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर लिखा कि भाई जो चाहता है उसकी संतान बलवान हो सोशील हो बाहुबली हो वेदवेत्ता हो विद्वान हो जी सभा का विजय हो विजय करने वाला हो महती सभा का पूर्ण आयु वाला हो वो बीफ खाए ये उपनिषद में लिखा है तो हम खाते हैं हमारी माता ने हमें खिलाया इसीलिए हमने तुम्हें पिलाया मूतर वो हमने तुम्हें पिलाया है तो मेरी बात आ गई है आगे तुम्हारे में अंदर कुब्बत है तो तुम अपना वीडियो लेकर चेहरा दिखा करके आ जाओ तो डरते क्यों ने ऐसे क्या है क्या कांड किया तुमने कि तुम अपने चेहरे छुपा रहे तो आ जाओ फिर सामने तुम्हारे अंदर धर्म है तो आ जाओ सामने करो तुम्हें साक्षात करना है ना किस किस लो जी ये मैंने आपको सुनाना था आपको ये बात समझ आ गई चीज क्लियर हो गई कि डिबेट हम करेंगे बिल्कुल किसी माई का लाल में दम है आ जाए हमने तो लिंक अभी भी पब्लिक किया हुआ है आ जाओ क्या दिक्कत अगर किसी ने स्पेशल डिबेट करनी है तो बेटा अब मामलात अब हालात बदल चुके हैं अब बात होगी नेशनल टीवी के ऊपर ये मैं बार बार बोल चुका हूं लाइव विदाउट एडिटिंग रिकॉर्डिंग लाइव और अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल टीवी ये दो चीजें होगी सॉरी यार मैं एक मिनट के लिए म्यूट कर रहा हूं और जरा मुझे एक मिनट के लिए मौका दीजिएगा जरा है यहदीकुमुल्लाह इस्लिहवालकुम ठीक हो गया जी अच्छा मुझे जरा एक थोड़ा सा टाइम दीजिएगा थोड़ी सा है उतनी देर तक हम आपको थोड़ी सा टाइम आप दीजिएगा मुझे ठीक है उतनी देर तक हम आपको लिए चलते हैं ये आप सुनिएगा
मुझे टाइम दीजिएगा थोड़ा, ठीक है? मेरे पास से मैं ये उम्मीद नहीं थी कि मैं इनसे मिलने, मैं जरा आता हूँ वापस, है जरा सिर्फ दो मिनट वेट करना है आपने, मैं आता हूँ। बाद भी मुझे तकलीफ झेलना पड़े, मेरे कल से कुछ खाया नहीं, आज दोपहर का खाना। अब मुझे कॉल कर रही है तो कह रही है कि नहीं ये मेरी बहन है, बहन है मेरी, और हम दोनों एक रूम में स्टे किए थे, और ये वो फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या बोला इसने। ये कितने लड़कियों के साथ सोएगा, कितने लड़कियों के साथ जिस्म जिस्म नोचेगा, ये देर हो जाएगी मुझे क्या। ठीक है, वो हम तीनों कॉल पे थे तो वो बस रो रहा था भैया के लिए, भैया मेरा तुम्हारे अलावा दुनिया में कोई नहीं है, मुझे हम लोग कौन थे, हमारे फिर हमारी जिंदगी क्यों बर्बाद की उसने। भैया ने यही बोला कि मोना कौन था, फिर ये ज्योति क्या है, फिर ज्योति तुम्हारा नाम तो कुछ और बताया था, मैं ज्योति हूं। हाँ हाँ ज्योति का नाम से सेव किया तुम्हारा नंबर, ज्योतिर्मयी होगी, ज्योतिर्मयी, हाँ ज्योतिर्मयी, हाँ मैं ही हूँ। और तुम्हें बोला कि इसका नाम ये है, ये पॉर्न वीडियो में काम करती है। मैंने बोला कि हे भगवान मैं किस किस के साथ रूम शेयर किया, ये पॉर्न वीडियो बनाती है, ऐसा बोला उसने। अब बताओ तुम्हारे साथ भी मंदिर में शादी किया, मेरे साथ भी मंदिर में शादी किया, तुम्हारे फोन से भी प्रूफ डिलीट किया, मेरे फोन से भी प्रूफ डिलीट कर दिया। अब बताओ मेरी डिलीट नहीं हुई है ना, मेरे पास है सारी चीजें। तो मंदिर में जब मांग में भरा था वो प्रूफ नहीं है ना तुम्हारे पास, वो तो मंदिर के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं होती है ना। तो वही चीज तो मेरे साथ भी हुई, वही चीजें तो मेरे साथ भी हुई। वो प्रिया के पास पीछे नहीं पड़ा है, प्रिया के साथ सोने के लिए पीछे पड़ा है। अगर प्रिया उसके साथ सो जाएगी ना और सब कुछ हो जाएगा, शादी कर लेगा प्रिया के साथ, सो जाएगा ना तो उसका भी भूत उतर जाएगा और फिर वो किसी और लड़की को फंसाएगा, ये मैं गारंटी के साथ लिख के दे रही हूँ। आरती कर लो बेटा, तू प्रिया के साथ क्या वो सोई नहीं है, ये बाकी थोड़ी ना है, प्रिया के साथ भी तो कर चुकी है, वो सो चुकी है साल से उसके साथ रिलेशनशिप। अब बताओ क्या करे इस इंसान का। तुम भुवनेश्वर से आ सकती हो दिल्ली? नहीं आ सकती ना, ये तो मुझसे बड़ी बात। क्यों नहीं आ सकती भाई, उसे पता है कि उस वैसे ही लड़कियों को फंसाता है जो कि दूर हो, कांटेक्ट ना कर सके, उसके पास ना जा सके, उसकी धजिया ना उड़ा सके। तुम्हारा कितना दिन का रिलेशनशिप है ये बताओ। हम तो मतलब पहले से मेरी साइड से वन साइडेड थी, एक महीना समथिंग हो गया, बट बातचीत होती थी। रिलेशनशिप कितने टाइम बना तुम दोनों का? रिलेशनशिप तो यही तो जब उड़ीसा आने से पहले से ही बना। कितना, वही तो पूछ रही हूँ, कितनी बार आया है तुम्हारे पास? एक ही बार तो आया है, चार दिन स्टे करके गया, ये तो फर्स्ट टाइम हम मीट किए। मुझे होटल में फोटो क्लिक करके भेजा, मैंने यहाँ से उसे लंच दिया था पैक करके लंच बॉक्स में। क्या दिया था? लंच बॉक्स में लंच पैक करके दिया था, फ्रूट्स हो गए, नमकीन हो गया। अच्छा, वेट, एक संतरा था हाँ, और उसमें ड्राई फ्रूट था कुछ। चेक करो यार, संतरा किसी का, ड्राई फ्रूट किसी का, और रगड़ाई किसी की, वेरी गुड। हैं, सही जा रहे हो भाई, सही जा रहे हो, सही खेल गया भाई, सही खेल गया। आए हाय, सही खेल गया भाई। हैं, अच्छा जी, कुछ दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, क्यों ना इनको ले ले। बाकी उसके ऊपर मैंने चैलेंज कर दिया है, चैलेंज एक्सेप्टेड, नेशनल टीवी लाइव, नो रिकॉर्डिंग नो एडिटिंग, लाइव पूरे देश के अंदर जाएगा, मैं आने को तैयार हूं। चलो सीधे हो जाओ, शाबाश, और कोई बात नहीं होगी, तीसरी चौथी बात ही कोई नहीं होगी। अच्छा जी, मैं ओनली एक्स मुस्लिम्स ले रहा हूं, ठीक है ना, ये याद रखना आपने। अक्षय, आप एक्स मुस्लिम हो? नहीं नहीं, मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूं। ठीक है, क्या है आप, एक्स मुस्लिम के सपोर्टर हैं? हाँ हूं। किसके हैं? वो लोग फ्रीडम की बात करता है, आजाद ख्याली की बात करता है। आजाद ख्याली की ये वाली, ये जरा सुनना है। दिस इज माय सर्टिफिकेट फ्रॉम आर्य समाज। यदि मेरा नाम खड़ा हुआ है, छूट दे दो प्लीज। कहाँ से बना है? आर्य समाज, बिरला लाइंस, कमला नगर, दिल्ली। आओ ना फिर दिल्ली, आओ ना बेबी चुदाओ ना, आओ ना। प्रमाणित किया जाता है कि श्री सदाकत अली आयु 30 ईयर्स ने स्वेच्छा से इस्लाम धर्म को छोड़ करके सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया है। शुद्धि संस्कार के पश्चात इनका नाम श्री सिद्धार्थ चतुर्वेदी रखा गया है। जाओ फाड़ लो भी, लैंड कुछ नहीं फाड़ सकती तो मेरा।
I can show to everybody and I can throw on their face. ये दारू की चीटी पड़ गई मेरी जान तुम्हारे प्यार के सामने कब दे रही हो तुम मुझे. You are not capable to judge me. You are not capable to judge me. मैं तेरे से बड़ा नंगा हूँ. मेरे साथ नंगापन करने से बड़ा ये तो सोचा होता ना कि मैं कितना बड़ा नंगा हूँ. तो अपनी बात में रहना और अपनी औकात में रहना और आज के बाद मेरे पर एलिगेशन मत लगाना. अरे हम तो बहन चोर है ना, हम तो चोर देंगे तेरे को, टेंशन नहीं है मिस्टर. अबे तो चिस्की मार ले, ये तो पब्लिक है. अबे तो चिस्की मार ले, ये तो पब्लिक है. अबे तो चिस्की मार ले, ये तो पब्लिक है. व्हाटएवर यू आर, समझ गए होंगे जिसके लिए मैंने कहा वो समझ गया. ये वाली फ्रीडम या एक और फ्रीडम भी है, ये वाली फ्रीडम भी है, ये वाली स्टोरीज कृष्णा ब्रह्मा ऑल दीस काइंड ऑफ स्टुपिडिटीज ऑल ऑफ योर सो कॉल्ड गॉड्स आर बीनीथ मी अंडर मी. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. ये भाई काफी है, और भी है मेरे पास फ्रीडम कुछ. नहीं मतलब आप जो दिखा रहे हैं पता नहीं उन लोगों का इंडिविजुअल व्यू होगा, लेकिन नॉर्मल इंडिविजुअल नहीं, फ्रीडम तो है ना. पर फ्रीडम कौन सी वाली फ्रीडम, ये वाली चाहिए या कौन सी, या सिर्फ इस्लाम के ऊपर कुत्तों की तरह भौंकने वाली फ्रीडम चाहिए. नहीं मुझे अक्षय भाई थोड़ा खुल के बता देना जरा, मैं जानना चाह रहा हूँ. नहीं आप बताएं मेरे को, आप तो इस्लाम में है ना, इस्लाम में नहीं, नहीं कोई. ओहो ओ भाई देखे मेरी बात सुने, फ्रीडम की बात हो रही है तो एक्स मुस्लिम्स को कौन सी फ्रीडम वो बात कर रहे हैं, सनातन धर्म के ऊपर जो पिस कर रहे हैं वो वाली, सनातनी महिलाओं को जो पेल रहे हैं दिल्ली बुला बुला के होटलों में वो वाली, या इस्लाम के ऊपर कुत्तों की तरह जो भौंकना है वो वाली फ्रीडम. मतलब अक्षय भाई थोड़ा सा क्लियर तो करें ना, कंफ्यूजन है थोड़ी, कौन सी फ्रीडम चाहिए. फ्रीडम ऑफ लाइफ, लड़कियों को जो भी लड़की जैसे भी जीना चाहता है वैसे जी सकता है. चार नहीं ये फ्रीडम वो दे रहे हैं, चार यानी वो उस फ्रीडम की बात कर रहे हैं ना. ये इंडिविजुअल राय है, जैसे नॉर्मली एक एथिस्ट तो फ्री होता, ये इंडिविजुअल राय है ना. ये इंडिविजुअल तो है, वो इंडिविजुअल ही बात करेगा ना अपनी फ्रीडम की. तो आप कह रहे हैं भाई ये फ्रीडम चाहिए, तो भाई इस फ्रीडम के अंदर तो वो सनातन धर्म की औरतों के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं. देखे मैं अभी यही सुना रहा था. आपने दिया था पैकिंग करके? हाँ मेरी बेटी ने दिया था, पके लो पापा खा लो, पापा खा के. अब देखो पापा जो है वो उधर लदा पेला पलाई कर रहे हैं, बाहर वाली उन्होंने लदा रखी हुई है, दोनों आपस में भिड़ गई हैं. ठीक है तो मैं जानना चाह रहा हूँ फ्रीडम, जिस फ्रीडम की आप अक्षय भैया बात कर रहे हैं वो फ्रीडम मुझे समझ नहीं आ पा रही. हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, जैसे चार शादी फिर लड़कियों को आजादी. अच्छा अच्छा, यानी चार शादी आजादी, चार शादी आजादी है या पाबंदी है? चार शादी तो आजादी होगी फिर, क्योंकि ये दो दो तीन तीन चार चार शादियां कर रहे हैं. ये देखे ना जरा, ये देखे जरा, ये देखे जरा, ये देखो ये अलग है, ये देखे ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, और ये भी आ गई बीच में. ठीक है तो ये तो फिर फ्रीडम तो वाकई बड़ी है, आप सही कह रहे हैं फ्रीडम तो इधर वाकई बड़ी है. नहीं अगर वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है मुझे नहीं पता, मैं पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहता. नहीं शादियां की हुई हैं, शादियां वो अभी बोल रही हैं, पर्सनल लाइफ में क्यों नहीं जाना अक्षय साहब, सपोर्ट करने के टाइम पर पर्सनल लाइफ क्यों नहीं जाना है? इस्लाम की तो हर मुसलमान की पर्सनल लाइफ में जाकर दुम्मे उठा उठा के सूंघते हैं ये एक्स मुस्लिम्स, क्यों नहीं जाना पर्सनल लाइफ में? नहीं मतलब तो इंडिविजुअल क्या कर रहा है उसके हिसाब से थोड़ी होता है. नहीं नहीं जाना पड़ेगा ना अक्षय भैया, जाना पड़ेगा क्योंकि पता मतलब चलेगा. देखिए अक्षय भैया मेरी बात सुनो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात कर रहे हैं तो वो ठीक है, बहुत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है. गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है ना अक्षय भैया, एक लड़की को मंदिर में लेकर सिंदूर डाला, कहा शादी होगी, मंगलसूत्र, यही तो बताया आपको. ये देखो दोबारा सुन लो, ये FIR भी कटी थी जिस FIR को प्रेशर करके इन्होंने वापस लेने की कोशिश की, वो भी मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई हुई है, यानी वो सारी ऑडियो दिखाई हुई है. ये सुने जरा, ये सुने, नहीं है मेरे पास यूएसए वाली की नहीं है, मेरे पास मुंबई वाली. ये देखो अच्छा बेटा तो किस तरह से शादी, ये देखो जरा ये शादी कैसे की, ये तो पूछो कि हम तब तक क्यों शादी की उसने. उसने कह रहा कि मैंने शादी किया नहीं, मैंने तो बस टीका लगाया था माथे पे, इसको शादी थोड़ी ना बोलते हैं. अच्छा बेटा तो किस तरह से शादी बोलते हैं भाई, हम तो हिंदू है ना, हमारे लिए यही शादी होती है, हम नहीं. हाँ सुन लिया, और हम तो हिंदू है ना, सुने हम हमारे तो यही शादी है, मांग में सुंदर बना गल मंगल सब यही तो शादी है. जी भाई अक्षय भैया आपकी अगर बहन होती तो आप ऐसे रिएक्ट करते कि बड़ी वो फ्रीडम की बात कर रहे हैं? मैं मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ अक्षय भाई, बुरा मत मानिएगा क्योंकि हम सब बहनों वाले हैं, बेटियों वाले हैं. तो गलत किया ना, इससे क्या मतलब,
इससे मतलब ये है, देखे वो तो अपने आप को एक्स मुस्लिम मूवमेंट का चैंपियन कहता है ना, उसने रजिस्टर करवाई है दिल्ली में बकायदा जाके लोगों से लाखों रुपए लिए, 25-30 लाख। मुझे नहीं पता वो तो मेरे ख्याल से हिंदू हो गया ना, हिंदू या आर्य समाज पता नहीं क्या हो चुका है भाई, हिंदू हो गया है मगर